ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे आते हैं लोगों के मन में जो सुझाव है कि आखिर ये स्थिति बदले, चलते हैं जी। अब बोलिए सर, आपने अभी 11 विधायकों के नाम लिए थे ना कि भाई ये फलाना फलाना है, इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, डरते नहीं है, तो वो आज तक बोलते क्यों नहीं फिर विधानसभा में? अच्छा, अभी आपका सुझाव पर मैं आ रहा था। है आपको ऐसे लोग प्रश्न तो काफी सारे हो गए, ये लोग बोले, आपका सुझाव ये? हाँ ठीक है, हाँ बोले, और जो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य हो उसके ऊपर ध्यान भी दें। चलिए इधर से कुछ बोलना चाहते थे। देखिए, सबसे पहले सुझाव मेरा ये है कि विधायकों के लिए जिस तरह से सत्ता पक्ष ने इस टाइम कर रखा है कि जो अनुपस्थित होगा उसको लेट होने पे ₹500 का प्रतिबंध, उस तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड मीडिया भी उनका जारी करे, जैसे आज फर्स्ट इंडिया ने किया, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को भी बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह से मीडिया के सामने भी करना चाहिए और जनता में उनका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि इस विधायक ने कितना बोला, और उसी के आधार पर टिकटों के टाइम उसका प्रचार प्रसार भी उसी तरह विधायक का बनना चाहिए। संक्षेप में सुझाव दें जी। मेरा सुझाव तो ये है, जो विधानसभा में जीत के जाए तो जनता के प्रति जो अपनी मतलब जो वहाँ पे ध्यान आकर्षित करते हुए उनकी बात को रखना चाहिए, तो ही मतलब सकारात्मक स्थिति बनेगी, वरना तो वहाँ जाने पे कोई ताकत नहीं होगा। जनता के प्रति जवाबदेहिता हो जी। सर, जब तक जो विधायक जीत के जाते हैं वो जब तक अपने क्षेत्र की और प्रदेश की समस्याएं नहीं उठाएंगे तब तक उनका जीत के जाना कोई औचित्य वाली बात नहीं है। जब तक वो अपने क्षेत्र की बात नहीं करेंगे उनको अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बात करनी चाहिए, विधानसभा में उन मुद्दों को उठाना चाहिए। चलिए, विधानसभा और लोकसभा की कार्यवाही में एक शून्यकाल का पीरियड आता है, तो शून्यकाल में प्रत्येक विधायक को ये पाबंदी लगा देनी चाहिए सदन द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, पार्टी गाइडलाइन द्वारा, कि आपको कम से कम 5% पूछने हैं इस विधानसभा में। तो ये मेरा सुझाव है। और दूसरी चीज़, ये कमेटी गठित करनी चाहिए प्रत्येक विधानसभा चुनाव में, वो प्रत्येक विधानसभा में, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, किसी भी पार्टी हो, उसको 5 या 10 लोगों की कमेटी बनानी चाहिए कि आप अपने विधायक से ये प्रश्न आप पूछवा सकते हैं। थैंक यू। इधर आ रहा हूँ सीधे, संक्षेप में थोड़ा समय का। ये सर, विधायक अधिक से अधिक समय अपनी विधानसभा क्षेत्र में दे, ना कि अप्रवासी विधायक बनकर वहाँ पे कभी कभी टहलने के मूड से जावें। धन्यवाद। चलिए सर, सुझाव मैं ये देना चाहूँगी कि जो भी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं तो विधायक को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने विधानसभा क्षेत्र में बिताएं, और घर घर जाने का टाइम ना देके, वो नहीं भी देंगे, मेरे को पता है ये चीज़, वो टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन घर घर टाइम ना देके एक इस तरीके का मतलब मीटिंग करें या बैठक करें कि जिसमें क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना प्रॉब्लम बता सके। आपका सुझाव है, उसके बाद एक पीछे से सुझाव और आ रहा है, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक सुझाव दूंगा। आप बैठिए, आप जो नए लोग हैं, अच्छा लगता है जब नए लोग आते हैं। ठीक है, MLA से जितनी भी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जनता के द्वारा चुने गए हैं वो, तो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या सुने और उन समस्याओं को जो पार्षद नगर निगम उठाए, अगर MLA जाए विधानसभा में उठाए, और आगे कोई समस्या क्षेत्र की है तो उनसे जाकर मिले। और ये जो यूथ बैठा है पीछे की लाइन में, थोड़ा बहुत पार्टी लाइन में बटा हुआ होगा, लेकिन इनको एक सुझाव देता हूँ, विधानसभा की कार्रवाई को पढ़िए, खुद जरूर पढ़िए, और पढ़कर जो आपका विधायक है उससे सवाल पूछिए कि आपने हमारे क्षेत्र की बात क्यों नहीं उठाई। अगर ये सब ये करने लगे तो शायद स्थिति बदल जाएगी। सीधे आता हूँ अर्चना जी के पास। ठीक है आशीष जी, ये ठीक बात है कि विधानसभा जो सर्वोच्च मंदिर है राज्य का, जहाँ पर जनता की समस्याओं के निदान के लिए चर्चा होती है, कानून बनता है, और उसकी अनुपालना करने के लिए बाध्यता प्रशासन पर होती है, लेकिन विडम्बना ये है कि आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत से विधायक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमने एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं की, वो ये कि जो आसन पर होते हैं उनसे भी हमें अपेक्षा रखनी चाहिए कि वो बायसेस के बिना एक ऐसी प्रक्रिया को अंजाम दे कि उन लोगों को अवसर मिल सके जो इसमें नए होते हैं। हमने यहाँ बहुत लोगों ने पीछे मुद्दा बना लिया वरिष्ठ लोगों के नाम लेकर के कि साहब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उनको अब नहीं मैं उनको भी, मैं चूंकि वो युवा है ना और वो पार्टी लाइन में बट गए हैं, अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि उन्हें तो बहुतेरे अवसर मिले, बहुत बोल पाए वो और उन्हें बहुत कुछ कर दिया, इसलिए वो इतने बार जीत करके आ गए। लेकिन जो लोग अभी पहले बार जीत करके आए, जो वहाँ से अनुपस्थित रहे, जिन्होंने प्रतिभागिता नहीं निभाई, उनके लिए बड़ा प्रश्न है। और आपने सही कहा कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कोट करूँगी, किसी पर आक्षेप नहीं है, कोई पार्टी वादा करती है, आपने कृषि पर जब प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो लाभांश पे जो 50% है उसको मिला करके MSP देने का काम करेंगे, लेकिन शासन में आती एफिडेविट दे दिया उन्होंने कोर्ट में कि ये संभव नहीं है। तो इन चीज़ों को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा, जब हम गंभीरता से लेंगे तो वो जनप्रतिनिधि भी लेंगे और उसमें प्रतिभागी भी बनेंगे। भंवर सिंह जी, थोड़ा सा समय का, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि विधानसभा का जो विधायक है उसको एक तो जब टिकट मिलती है ना उस समय बाहरी जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर उसको एक तरह से कर लेते हैं, जो क्षेत्रीय लोग जिनको वास्तव में क्षेत्र की जानकारी है उनको बाईपास किया जाता है पार्टियों के द्वारा।
क्षेत्रीय लोग जो रात और दिन कार्यकर्ता वहाँ मेहनत करते हैं वो हमेशा चुनाव के वक्त बाईपास हो जाते हैं। क्षेत्रीय लोगों को सबसे पहले लेना होगा जो जमीन से जुड़े लोग हैं, और दूसरा जिनको समस्या का पता है। शालिनी जी, विधायक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद है, इसको इन्हें महसूस करना चाहिए कि बहुत अच्छा अवसर मिला है कि जब उस पद की गरिमा को बरकरार रख सकते हैं और जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं, तो वहां पर उन्हें इस बात का ध्यान रखते हुए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जेपी शर्मा जी, मेरा आग्रह है कि प्रत्येक विधायक को अपनी विधानसभा क्षेत्र का एक जो भी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो विधानसभा में बोल पाएगा और जनता से जुड़े हुए प्रश्नों को रख सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मधु जी, आपके पास आ रहा हूँ। जनप्रतिनिधि जो विधायक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के प्रति समर्पित होकर के और जो भी वहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं उनको विधानसभा में एक सेवा के उद्देश्य से उठाना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जो मेरे को दायित्व इस जनता ने दिया है उस पर मेरी ये जवाबदारी है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिपोर्ट कार्ड सभी विधायकों को बनाने का, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी बनाया है, और जो विधेयक उन्होंने पास करवाए हैं वो हर जनता की आवाज लेकर के उन्होंने उठाई है। आखिरी में जाते जाते दोनों ने सुझाव में भी एक राजनीतिक बात उन्होंने भी कह दी, एक आपने भी जनता की आवाज को उन्होंने हर जिले बार उठाया। भंडारी साहब, देखिए, एक तो ये होना चाहिए कि हर सत्र के अंदर ये कंपलसरी होना चाहिए कि हर विधायक कोई कोई प्रश्न पूछे। दूसरी बात यह है कि उसको सत्र में जब ये इस पर विचार चर्चा हो तो सत्र में मौजूद रहना चाहिए, और जैसे आज आपने सबको चांस दिया सुझाव दें तो हर जो बिल पास होता है उस पर उनको सुझाव देना एक तरह से कंपलसरी होना चाहिए। सत्यनारायण सिंह जी, ये जो पद्धति है कि जिसके जितने ज़्यादा MLAs उस पार्टी को ज़्यादा समय और जिसके कम है उसको कम समय, ये प्रतिबंध खत्म होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा अवसर विरोधी पक्ष को देना चाहिए कि वो बोल सके। दूसरा, आपने मेरी बात ध्यान नहीं दिया, विरोधी पक्ष को भी उतना ही समय मिलना चाहिए जितना कि सत्ता पक्ष के हैं, उसको संख्या बल के आधार पर ये नहीं होना चाहिए वो तो 5 घंटे बोलेंगे और वो जो है 1 घंटा ही बोले। दूसरा, स्पीकर को वास्तव में स्पीकर चुन जाने के बाद में जो एक नॉन पार्टीजन रोल होना चाहिए वो रोल निभाना चाहिए, और विपक्ष के लोगों को हतोत्साहित करने के बजाय ज़्यादा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है तो सबसे पहले है कि ये जो विधानसभाओं की या लोकसभाओं की जो बैठकें जो होती है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, ये धीरे दिन में हर साल मतलब घटती जा रही हैं। अब मुश्किल से 60 बैठकें हो पाती है पूरे 2 सेशन के अंदर, जबकि प्रावधान ये है कि 90 दिन कम से कम हो, जनता पर और बार डाल, लेकिन वो 90 दिन अगर मिले तो उसमें विधायकों को ज़्यादा संख्या में बोलने को। अर्चना जी, एक बात और कोई जोड़ना चाह रही है उसके बाद, क्योंकि समय का। देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा की जो कार्य संचालन होता है उसके बारे में एक बहुत सरलीकृत पुस्तक छाप करके और इनका ट्रेनिंग ओरिएंटेशन होना चाहिए नए जो आते हैं उनके लिए, तो उनके लिए सुविधा होगी, क्योंकि कानून कायदे से बंधी हुई सारी प्रक्रिया होती है उसकी जानकारी के अभाव में कई बार संकोच भी पैदा होता है। चलिए, कुल मिलाकर आज की चर्चा में जो एक बात निकल कर सामने आई वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसके लिए और किन लोगों के लिए आप चुनकर जाते हैं, उनकी आवाज़ जिसकी वो अपेक्षा करते हैं अगर आपको सदन में नहीं उठा पाते तो ये जनता जो आपको वोट देकर भेजती है ये अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। और पूरी चर्चा में जो महत्वपूर्ण सुझाव आए वो सुझाव यही है कि एक कहीं ना कहीं प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है नए विधायकों का, जिससे वो मुखर होकर आम आदमी की आवाज़ विधानसभा में हर मुद्दे पर जो उसके मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उठा पाए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे सभी दर्शकों को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।